गाइस, आप सभी का स्वागत है आरके रेसिपी में। तो आज मैं बनाने वाली हूँ कटहल की सब्जी। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। मैं कटहल की सब्जी बनाने के लिए मैं 1/2 kg कटहल ली हूँ और 2 बारीकी से प्याज कटी हुई ली हूँ और 2 तेज़पत्ता और 2 लाल मिर्च ली हूँ और मैं 2 बारीकी से टमाटर कटी हुई ली हूँ और मैं 100 ग्राम तेल ली हूँ और मैं लहसुन का पेस्ट और काली मिर्च का पेस्ट ली हूँ। तो चलिए अब बनाते हैं कटहल की सब्जी। मैंने पहले से ही कढ़ाई को गर्म होने दी थी। अब मैं इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालूंगी। तो तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें मैं कटहल डालूंगी, इसे फ्राई कर लूंगी कटहल। हमें अच्छे तरह से फ्राई करना है, इसी तरह चला चला कर। तो ये कटहल हल्का हल्का फ्राई हो चुका है, इसे हमें डीप फ्राई नहीं करना है, हल्का ही करना है। तो मैं अब इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। जो बचा हुआ तेल था सरसों का, इसमें डालूंगी। तेल को अच्छे से पकने देना है। तो तेल देखो अच्छे से पक चुका है, इसमें मैं 2 तेज पत्ता जो था उसको डालूंगी और मिर्च डालूंगी और प्याज डालूंगी। प्याज हल्का हल्का ये लाल हो गया है, अब मैं इसमें मसाले डालूंगी। अब मैं इसमें मसाले डालूंगी। आधा चम्मच हल्दी का पाउडर डालूंगी, 1 चम्मच धनिया का पाउडर डालूंगी, 1/2 चम्मच नमक डालूंगी, आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए। अब सारी चीज़ों को मिक्स कर लूंगी। सारी चीज़ों को अच्छे से भूनना है हमें। अब इसमें मैं टमाटर डालूंगी, अब इसको मैं मिलाऊंगी और टमाटर को अच्छे से तरह से पका लूंगी। देखो टमाटर अच्छी तरह से पक चुका है, सारे टमाटर गल चुके हैं, अच्छे तरह से पक चुके हैं। अब मैं इसमें कटहल डालूंगी, इसे इस तरह मिलाऊंगी अच्छे तरह से, इसे इसी तरह भून लूंगी। इसी तरह हमें 2 मिनट इसको अच्छे तरह से भूनना है, अच्छी तरह से 2 मिनट पकाना है, अच्छे तरह से भून भून कर। देखो इसका कलर भी कितना अच्छा है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आने वाला है, देख के लग ही रहा है। अब इसमें मैं 1 गिलास छोटे गिलास से पानी इसमें डालूंगी जिससे ये अच्छी तरह से पक सके। अब इसको मैं ढक दूंगी एक थाली से, इसे 2 मिनट अच्छे तरह से पकाना है। ये 2 मिनट गैस को मीडियम फ्लेम पे पकाना है, ये 2 मिनट हो जाए
मेरी सब्जी कटहल की रेडी हो जाएगी। मिनट हो चुका है, तो देख लेते हैं सब्जी अच्छे से पका है या नहीं। देख लीजिए मेरी कटहल की सब्जी बहुत अच्छी पकी है और बहुत अच्छे से सीख चुकी है भी। तो अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में। देखिए बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत अच्छा देखने में लग रहा है। मैंने प्लेट में निकाल ली हूँ सारी सब्जी खाने के लिए। तो आप सभी को ये रेसिपी पसंद आई हो कटहल की, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।